मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, टू प्रॉपर्टीज है टेंजेंट इनवर्स की। टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1, क्योंकि एक्स यहाँ पे एक वैल्यू होगी, ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो माइनस 1 से 1 अगर है तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होता है, बट ये एप्लीकेबल जब है जब एक्स इंटू वाई जो है आपका वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, बट एक्स इंटू वाई शुड बी लेस देन 1, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 टेंजेंट ऑफ टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4। तो हम क्या करेंगे, टू टेंजेंट इनवर्स 1/5 हमें इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो ये आपका हो जाएगा टू टेंजेंट इनवर्स 1/5, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1/5, एंड आई विल गेट टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में 1/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर एंड ये माइनस पाई बाय 4, ठीक है। ये एप्लीकेबल कब होता है, मैंने चेक कर लिया कि जो 1/5 है मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में है, इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। तो फॉर्मूला लगाने के बाद आई एम गेटिंग टेंजेंट इनवर्स 2/5 टेकिंग द एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 1/25 मतलब स्क्वायर कर लिया, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 1 दैट इज 24/25, ठीक है, माइनस पाई बाय 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2/5 इंटू 25/24 तो ये हो जाएगा आपका 5/12। तो नेक्स्ट स्टेप में आई एम राइटिंग टेंजेंट इनवर्स 5/12 माइनस पाई बाय 4 एंड हियर इट इज टेंजेंट ऑफ दिस, ठीक है। नाउ वट यू विल डू, टेंजेंट इनवर्स 5/12 को इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंपल टेंजेंट इनवर्स में आ गया, ये 2 हटा दिया हमने, 2 टेंजेंट इनवर्स, इसको मैं थीटा लेट कर लेती हूँ, लेट टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज थीटा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ये बन जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 क्या होता है आपका 45, ठीक है। अब इसको है ना, हमें पता है कि टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा ये क्या होएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा, ये हमने सबने किया हुआ है क्योंकि टेंजेंट ए टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ये फॉर्मूला होता है ना, तो वो हमने पुट किया है इसमें, ठीक है। नाउ अब ये होता है पाई बाय 4 माइनस थीटा का, माइनस कॉमन लेके ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ये आपकी 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है, ये हमारा माइनस में चल रहा है। अब देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 5/12, 5/12 क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लेट किया था। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ये है आपका माइनस ऑफ 1 माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा है 5/12, नीचे है 1 प्लस टेंजेंट थीटा, तो 1 प्लस 5/12, आप इसको एलसीएम वगैरह लेंगे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ ये आ जाएगा -7/17, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, ये फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ चेक करना है हमें कि जो एक्स है वो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वो भी टेन पे बेस्ड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 एंड प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है, वैसे पाई बाय 4 हो सकता है इसकी वैल्यू निकालनी आ जाए, तो पाई बाय 4 के इक्वल प्रूव करना है। ये फिर से वही है टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, जो एक्स है वो 1/3 है
अब जो 1/3 है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 यूज करके टेंजेंट इनवर्स 2 × 1/3 और 1 − 1/3 का स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कर रही हूँ, टेंजेंट इनवर्स 2/3 1/9 हो गया, तो 9 − 1 = 8, 8/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसे सॉल्व करेंगे, 2/3 × 9/8 टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 एंड हेयर यू आर गेटिंग 3/4। टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब चेक कीजिए, ये हम सेकंड फॉर्मूले में पहुंच चुके हैं, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, दैट फॉर्मूला। बट वो भी कब एप्लीकेबल है, जब आपका x और y लेस देन 1 हो, x इंटू वाई, तो ये x है ये y है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3/21। और 3/21 जो होता है x इंटू वाई आपका आ रहा है 3/21 एंड विच इज लेस देन 1। तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि x इंटू वाई शुड बी लेस देन 1। तो अब यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई का मतलब 3/4 प्लस 1/7 एंड इन द डिनोमिनेटर 1 − 3/4 × 1/7। तो हेयर आई एम गेटिंग एलसीएम लिया मैंने 28 एंड 4 7 जो 21, ये 3 आ गया, 1 − 3/21 अगेन 21 and 3 हो गया 24/28, माइनस करेंगे 21 − 3, हेयर यू आर गेटिंग 18, तो 18/21, तो 21/18 उसका उल्टा कर दिया 18/21 का, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका कुछ अगर कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं, 2 1 = 2 6 = 14, 7 2 = 7 3 = 3 2 = 3 3 = ये आपका आ गया 1/2। एंड यू नो टेंजेंट इनवर्स 1/2, टेंजेंट में किसकी वैल्यू आपकी, ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 1/2 तो नहीं आएगा, एक सेकेंड इसको दोबारा करते हैं, आपका आ गया ये 25 4 7 7 3 7 4 4 आएगा यहाँ पे 25/28 एंड इनटू में आपका 28 by 25, ठीक है, ओके ये कैंसिल हो गया पूरा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और टेंजेंट में किसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाय, ये हमारा आरएचएस के ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आपके दो फॉर्मूले अप्लाइड हुए हैं, एक तो 2 टेंजेंट इनवर्स x का यहाँ पे, इसके बाद टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, चेक करना पड़ेगा x इंटू वाई लेस देन 1 है, और ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन, साइन इनवर्स का है, उसका वैसे बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है बट हम उसको बिना फॉर्मूले के वेरी इजिली उसको करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, जो फॉर्मूला आपका एलिमेंट्स एंड आर डी शर्मा में है वो इतने फॉर्मूलेज हमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, और हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं फॉर्मूलेज से हमारा सम हो जाए। एंड द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। वैसे इसका बुक में फॉर्मूला दिया हुआ एलिमेंट्स में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है, और बट हम वो फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम a लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे और इसको सी लेट करेंगे, ओके। तो हमारा 4/5 हो जाएगा साइन ए, 5/13 हो जाएगा साइन बी और 16/65 हो जाएगा साइन सी। आफ्टर दैट हम यहां से कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 − sin² a होता है,
तो कॉस ए आ जाएगा आपका 25 एंड माइनस 16 एंड दैट इज 9 बाय 25 तो 3/5 कॉस ए आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये आ जाएगा आपका कॉस बी 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 5/13 का एंड अंडर रूट ये होएगा कॉस बी तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 144 तो ये आ गया आपका 12/13, ठीक है। सिमिलरली कॉस ये निकालेंगे हम अपना 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर एंड अंडर रूट ये हमारा साइन सी आ जाएगा, ओके सॉरी कॉस सी आ जाएगा। अब ना हमें करना क्या है, हमें ये पता है साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तभी मैंने ये साइन एंड कॉस की वैल्यूज निकाली थी, साइन से कॉस पे गए थे। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5, कॉस बी की वैल्यू है 12/13, कॉस ए की वैल्यू है 3/5 प्लस साइन बी की वैल्यू है 5/13। तो हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 एंड 3/13 टेकिंग द एलसीएम 65 48 प्लस 15 एंड यहाँ आपका आ रहा है 8 5 63/65, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज 63/65। साइन ऑफ ए प्लस बी, पहले ना हम दो को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ ए और बी वाले को, ठीक है, अभी सी को बाद में करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया हमारा 63/65, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 साइन इनवर्स 63/65। मतलब इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 63/65, क्योंकि ये पूरा ए है ये पूरा बी है। तो ए प्लस बी, देखो ये क्वेश्चन किस चीज में रिड्यूस हो गया, इन दोनों को कंबाइन करके आई एम राइटिंग साइन इनवर्स 63/65 और साथ में ये रह गया है अभी साइन इनवर्स 16/65। तो क्वेश्चन अब ये बन चुका है, इसको भी फिर हम ऐसे ही करेंगे जैसे किया, इसको ए रखेंगे बी रखेंगे फिर साइन ए 63/65 आ गया, साइन बी 16/65 आ गया, कॉस निकालेंगे दोनों का, उसके बाद सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे हमारे तीन डिजिट्स थे, तो पहले मैंने दो को सॉल्व करना सिखाया, किया क्या है सिंपली इसको ए लेट किया, इसको बी इसको सी, पहले दो पे ध्यान देते हैं। ए है आपका तो साइन ए की वैल्यू 4/5 आ गई, कॉस ए की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ से कॉस की वैल्यू आ गई, सिमिलरली साइन बी एंड कॉस बी आ गया। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, हमें साइन में ही चाहिए क्योंकि अगला भी हमारा साइन में ही, ठीक है, साइन में ही आंसर चाहिए। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वैल्यूज पुट की 63/65 आ गया, साइन को इधर ले गए इनवर्स हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 63/65 एंड हेयर ए प्लस बी मतलब दो की जगह एक बन गया हमारा साइन इनवर्स 63/65 और सी पार्ट एज इट इज है। अब इन दोनों को जैसे हमने ये सॉल्व किया दोबारा सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई अलग से फॉर्मूला यूज करने की नीड नहीं होती है, इसी तरह से हमारे कॉस इनवर्स के सॉल्व हो सकते हैं, तो अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना। नाउ एक और करते हैं, टेंजेंट इनवर्स अब हमारे हैं जिसमें हमें कुछ वैल्यूज को पुट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है उसे। देखिए टेंजेंट इनवर्स 1 - 1 + x² - 1 और बाय में x, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बाहर टेंजेंट इनवर्स है, इस पूरे को ना मुझे टेंजेंट चाहिए पूरा, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, x को अगर मैं टेंजेंट थीटा लिख दूं तो 1 + tan² θ आ जाएगा आपका sec² θ, ठीक है, secant और 1 आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं लेट सी उसको चेंज करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे,
टेंजेंट इनवर्स लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। चेक करते हैं, मतलब अंदर ना हमारा टेंजेंट कुछ आना चाहिए ताकि टेंजेंट इनवर्स से वो टेंजेंट जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस वन बाय टेंजेंट थीटा। ओके, एंड हेयर वी आर गेटिंग वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बाय में टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस वन बाय टेंजेंट थीटा, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन कॉस में जब हम चेंज करेंगे कॉस क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, वन बाय कॉस। तो टेकिंग द एलसीएम ये आ गया, अभी कॉस बच रहा है, जो टेंजेंट होता है वो साइन बाय कॉस होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको ना हमें टेंजेंट में चेंज करना है। टेंजेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको पूरे को हमें टेंजेंट चाहिए। देखो वन माइनस कॉस टू थीटा आपका क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और इसको मैं ले रही हूं साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू। ठीक है, तो क्या होएगा यहाँ पे, बाहर टेंजेंट इनवर्स है क्योंकि ये वन हटाना था, हमें वन हटाना था, तो वन जो है कुछ इसी तरह से हट रहा है और किसी तरह से नहीं हट रहा। वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। नाउ अब हम चेक करते हैं, साइन थीटा बाय टू की पावर कैंसिल हो गई एंड यहाँ पे टू साइन थीटा बाय टू आता है, सॉरी टू से टू भी कैंसिल हो गया एंड यू आर गेटिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू, और ये आपका टेंजेंट बन जाता है साइन बाय कॉस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अंदर ना टेंजेंट ले आए, तो ये आपका सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बाय टू। अब थीटा क्या था हमारा, थीटा क्या था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमारा आरएचएस आ चुका है, hence root। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस से ही ज्यादा अंडरस्टैंड होंगे, जितने आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो ही ज्यादा समझ आएंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में करेंगे।